हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोबेबिलिटी के एक और वीडियो देखने वाले हैं जिसमें कि हम समझेंगे कि अलग अलग तरीके के अलग अलग लॉस क्या हैं प्रोबेबिलिटी के और बेसिकली टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ हम कब कब निकालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसमें दो लॉज हैं, एक है एडिटिव लॉ और एक है मल्टीप्लीकेटिव लॉ। एडिटिव लॉ दो कंडीशंस में लगा जाता है। वो पहली कंडीशन क्या है जब एडिटिव लॉ लगता है, मान लीजिए आप कोई ट्रायल कर रहे हैं और ट्रायल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एक दूसरे से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक कॉइन टॉस किया और उसके बाद मैंने सेकंड कॉइन टॉस किया, क्या सेकंड कॉइन टॉस का रिजल्ट फर्स्ट कॉइन टॉस के ऊपर डिपेंड करेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसा इवेंट हुआ, इट इज़ अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एडिटिव लॉ लगाते हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ऐसे जितने भी आप इवेंट करते जाएंगे सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करते जाएंगे। सो इस तरीके से आप एडिटिव लॉ निकाल लेते हैं। लेकिन इसका एक सेकंड केस भी होता है जिसमें होती है ओवरलैपिंग। मतलब कि क्या होगा, मान लीजिए कि आपके पास में एक 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं। अब एक डेक ऑफ कार्ड में से आपको पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकाली 4/52, बिकॉज एक ताश के पत्तों में टोटल चार किंग होते हैं। तो 4 इज योर पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, और आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 52। अब उसमें से आपने एक कार्ड को निकाल के हटा दिया। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो अगेन सेम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बट अब क्या हुआ, पहले आपने 52 कार्ड में से निकाला था, अब आपने उस कार्ड को अलग हटा दिया, तो अब क्या सब कार्ड कितने बचे, 51 कार्ड्स बचे। तो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाती है। तो ओवरलैपिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज वाले कंडीशन में आप एडिटिव लॉ लगाते हो, बट उसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब पहले इंडिविजुअली ए की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, फिर आप इंडिविजुअली सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालोगे एंड फिर माइनस कर दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी। तो ये हमारा एडिटिव लॉ। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेटिव लॉ में हम बेसिकली डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास में दो अलग रूल्स हैं, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम। दोनों ही अलग अलग टाइप्स की प्रोबेबिलिटी हैं, बट दोनों में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब लगाई जाती है, जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो बट विद अ सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि आपको एक डेक ऑफ कार्ड में से कोई एक ब्लैक कार्ड निकालना है, तो ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल 26, एंड टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। तो 26/52 इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। बट आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड विद अ फेस, और जिसकी फेस वैल्यू हो। जैसे आपने सबने ताश खेले होंगे, तो ताश में आपने देखा होगा कि चार फेस कार्ड्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड बट डेट टू विच हैज अ फेस कार्ड, बेसिकली इट शुड बी अ फेस कार्ड, तो उसकी आप प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालोगे, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, N इज बेसिकली कि आप उस इवेंट को कितनी बार अकर कर रहे हैं। आपने एक बार इवेंट किया, आपने 10 बार इवेंट किया, आपने 15 बार इवेंट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालते हैं A मल्टीप्लाइड बाय B। A क्या हुआ आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, एंड B क्या हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। तो ये दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आप उसको ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर जो भी आपकी कंडीशन वाली प्रोबेबिलिटी थी उससे आप डिवाइड कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम कब लगाया जाता है, जब रिपीटेटिव नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। कि आपने सिर्फ ट्रायल एक बार नहीं किया है, आपने ट्रायल्स किया है 100 बार, 200 बार, 300 बार, जब इतने ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। जैसे आप मान लीजिए आज आप रोड पर बैठ गए, ठीक है, एक किसी चौराहे पे आके बैठ गए, और चौराहे पे आप देख रहे हो कि एक मिनट में यहाँ से कितनी बार रेड कलर की कार निकलती है। तो अब एक दिन में तो ऑब्वियसली बहुत बार निकलेगी, तो आपने एक दिन का देखा, फिर आपने दूसरे दिन जाके देखा, फिर आपने तीसरे दिन जाके देखा, ऐसा आपने एक महीने तक किया, तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसकी, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स भी कितने ज़्यादा थे। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पहली चीज़ आप यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ NCR। अब NCR क्या है, सी को हम बेसिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर बाइनोमियल थ्योरम लेते हैं, वेर एन इज नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स। आपने किसी चीज़ का 100 बार ट्रायल किया, तो एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, 100। अब इसमें से आपको सक्सेस क्या मिली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर सक्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय
आर कि आर सक्सेस होने, सक्सेस आप कितनी इवेंट्स में हुए उसके लिए आप आर यूज़ करोगे। सो आप इंडिविजुअली उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे और उसके ऊपर रेसिप्रोकेट कर दोगे उसके बाद पावर ऑफ आर, कि आपके आर क्या थी बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फिर आप निकालोगे क्यू और क्यू के ऊपर पावर लगाओगे एन माइनस आर। एन इज़ बेसिकली टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और उस ट्रायल में से आपको सक्सेस कितनी बार मिली। जैसे आपने मान लो 100 बार कॉइन टॉस किया तो 100 इज़ योर एन वैल्यू। अब आपसे पूछा गया था व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, अब आपको 70 बार आपका हेड आया तो आपकी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। तो आर की जगह आ जाएगा 70 और एन माइनस आर की जगह क्या आ जाएगा 100 माइनस 70 दैट इज 30। और P की जगह क्या आएगा, अब P आएगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सक्सेस, तो हेड आने की सक्सेस कितनी होती है 1/2। एंड Q इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती है 1/2। तो इसका आंसर क्या, कुछ इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 रेज टू द पावर 70 मल्टीप्लाइड बाय Q, Q की वैल्यू क्या थी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय टू द पावर 30। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी बाइनोमियल इक्वेशन का आंसर आ जाएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आई होप द एडिटिव एंड मल्टीप्लीकेटिव लॉ इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।